नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा। आज हम संगीत के शास्त्र पक्ष के बारे में कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे, जो कि संगीत के प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि संगीत क्या है। अलग अलग विद्वानों ने इसे अपने अनुसार परिभाषित किया है। तो साधारण से शब्दों में अगर हम देखें तो अपने मन के भावों को गाकर, बजाकर अथवा नृत्य करकर प्रस्तुत करने की जो एक कला है वह संगीत कला। गायन वादन नृत्य त्रयम संगीतम उच्यते। और उससे भी अगर आगे बढ़े तो गायन के परिपेक्ष में गायन के बुजुर्गों ने, पंडितों ने इसे सम्यक गीतम के आधार पर प्रस्तुत किया कि वह गीत जो बड़ा सुसज्जित रूप से नियमों में बंधकर गाया गया वह संगीत है। वास्तविकता में तो ये मनोभावों को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। कोई व्यक्ति जब गाकर प्रस्तुत कर रहा है तो वह गायन कला है। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के वाद्य को, जैसे ये तबला है, ये हारमोनियम है और इसके अतिरिक्त सितार आदि किसी भी वाद्य पर अपने मन के भाव प्रस्तुत करता है तो वह वादन संगीत कहलाता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति नृत्य करके अपने भाव भंगिमाओं के द्वारा, शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा अपने भावों को प्रस्तुत करता है तो वह नृत्य संगीत है। अब है कि संगीत का आधार क्या है। संगीत का मूलभूत आधार गायन और वादन के परिपेक्ष में अगर देखा जाए तो नाद है। अब नाद चाहे स्वर रूप में प्रस्तुत हो रहा है या लय के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, तो सबसे पहले हम स्वर के रूप में बात करेंगे गायन के परिपेक्ष में कि स्वर क्या है। क्या कोई भी आवाज या ध्वनि स्वर है? नहीं। नाद जिसे हम ध्वनि कहते हैं और दो प्रकार इसके हम मानते हैं, अनहत और आहत। तो वह ध्वनि जिसकी एक निश्चित आंदोलन संख्या है और बार बार उच्चारण करने पर भी जिसकी आंदोलन संख्या में कोई फर्क ना आए, अर्थात संगीत उपयोगी ध्वनि को ही हम स्वर कहते हैं। अब अगला प्रश्न कि स्वर कितने प्रकार का है, इसके रूप क्या है। इसके दो रूप हैं, चल स्वर और अचल स्वर। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि अचल स्वर मतलब कि जो चलायमान नहीं है। सात स्वर है हमारे प्रमुख, जिसे हम सारे गामा पाधानी या इसके जो नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद के नाम से जानते हैं। यहां मैं ये भी बताना जरूरी समझूंगा कि षडज को षडज क्यों कहते हैं। षडज संस्कृत के शब्द से बना है ये, कि षडज मतलब आधार स्वर, ड्रोन, प्रमुख स्वर। सा को षडज इसलिए कहा गया क्योंकि ये अगले छह स्वरों का आधार है, इसलिए षडज कहते हैं। स्वर के अचल की बात कर रहे थे। अचल रूप मतलब वह जो चलता नहीं, चलने से भाव यहां स्वर के उतार और चढ़ाव से है। तो सात स्वरों में से हमारे पास दो स्वर ऐसे हैं जो अचल हैं, वे हैं सा और पा। इसके अतिरिक्त जो पांच स्वर हैं वे चल स्वर हैं। चल, चल से भाव वे स्वर जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर नीचे उतरकर अन्य संज्ञा को प्राप्त करते हैं। तो चल स्वर भी आगे दो प्रकार के हैं, एक
कोमल और एक विकृत, तीव्र विकृत। कोमल स्वर जो है, जब कोई स्वर अपने शुद्ध अवस्था से उतर जाता है तो उसे कोमल स्वर कहते हैं। और शुद्ध स्वर क्या है? जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर उच्चारित हो। तो मैंने अचल स्वर की बात कही, तो पांच स्वर रेगा माधा नी, ये पांच चल स्वर है, अचल नहीं, चल स्वर है ये पांच। अचल थे सापा और चल है रेगा माधा नी। उनमें से भी रे गा धा और नी, ये चार स्वर ऐसे हैं जो अपनी निश्चित जगह से उतरते हैं तो कोमल स्वर की संज्ञा प्राप्त करते हैं। जैसे ये हम लगाते हैं, दिखाते हैं षड्ज है, तो ये ऋषभ है, शुद्ध है। और षड्ज और ऋषभ के बीच में जो ये है चाबी, ये कोमल ऋषभ की है। ये गंधार शुद्ध है और ऋषभ गंधार के बीच में जो ये चाबी है, ये कोमल गंधार की है। इसी प्रकार रेगा धानी जो है वो शुद्ध के अतिरिक्त कोमल है। सा रे, ये रे शुद्ध, सा रे, ये रे कोमल है। और इसी प्रकार मां स्वर ऐसा है जो अपने निश्चित स्थान से नीचे उतर जाए तो वो तो गंधार शुद्ध है, इसलिए वह अपने निश्चित स्थान से आगे बढ़ता है तो वो माँ तीव्र की संज्ञा पाता है, क्योंकि तीखा तीव्र मन अपने निश्चित स्थान से थोड़ा आगे है, तीव्र है। और जो कोमल है वो अपने निश्चित स्थान से उतर जाते हैं तो वो कोमल सेंसिटिव हो जाते हैं। इस प्रकार ये हमारे पास ये दो रूप है, चल अचल या शुद्ध विकृत। जो अपने स्थान पर निश्चित है वह शुद्ध है, और जो अपने स्थान निश्चित से उतरते हैं वह कोमल है, और जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर चढ़ जाता है स्वर, वो सिर्फ एक है, वह है मां तीव्र, उसे तीव्र की संज्ञा देते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये सात स्वरों का स्थान क्या है? तो सात, जिसे संस्कृत में सप्त कहते हैं, तो इसी के आधार पर हमारे संगीत मनीषियों ने इसका नाम सप्तक रखा। सप्तक अर्थात जहां सात स्वर स्थापित हैं। भाव शुद्ध व विकृत सात स्वरों का जहां पर रूप निश्चित किया गया है उसे हम सप्तक कहते हैं। अब बात है कि सप्तक कितने प्रकार के हैं? वे हैं तीन प्रकार के। तीन प्रकार के सप्तक होते हैं। पहला सप्तक हम मध्य को लेंगे, मध्य, फिर लेंगे मंद्र, फिर लेंगे तार। मध्य सप्तक मतलब जब हमारी ध्वनि आवाज, किसी वाद्य की आवाज साधारण आवाज है, ना ज्यादा ऊंची है ना ज्यादा नीची है, तो उसे हम मध्य सप्तक के स्वर कहेंगे। जैसे सा रे गा पा, ये मध्य सप्तक के स्वर हैं। जब हमें ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, सहजता से जो स्वर उत्पन्न किए जाते हैं शरीर के द्वारा या वाद्य के द्वारा, और जो ज्यादा ना ऊंचे हैं ना ज्यादा नीचे, उसे हम मध्य सप्तक के स्वर कहते हैं। और इनकी पहचान के लिए कोई भी चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरे मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक वो है जब हमारी आवाज साधारण आवाज से दुगनी नीची हो, 1/2 हो जाए, divided by 2 हो जाए, नीची हो। जैसे कोई स्वर अगर हम 300 फ्रीक्वेंसी पर गा रहे हैं मध्य में, तो वही 150 फ्रीक्वेंसी पर नीचे जब गाएंगे तो वह स्वर मंद्र सप्तक का हो जाएगा। जैसे हमने कहा था पा मा गा, ये मध्य सप्तक था, और मंद्र सप्तक
इससे दुगना नीचे हो जाएगा और उसका जो उच्चारण स्थान है उत्पत्ति स्थान वो नाभि है, जबकि मध्य का स्थान हमारा वक्ष स्थल और कंठ है। ये है मंद्र सप्तक के स्वर। और मंद्र सप्तक अगर कोई चिन्ह ना हो तो कैसे पता चलेगा कि कोई स्वर किस सप्तक का है? तो मंद्र चूंकि नीचे के स्वर हैं इसलिए उसके स्वर के नीचे बिंदी लगा दी जाती है, जैसे पामा गा उसके नीचे बिंदु, धा नी कुछ भी स्वर जो है मंद्र सप्तक उसके नीचे बिंदु लगा दिए जाते हैं। तीसरा तार सप्तक। तार सप्तक से भाव जब हम किसी स्वर को उसके निश्चित स्थान से दुगना ऊंचा गाते हैं जिसे हम पिच के नोट्स भी कहते हैं तो वे तार सप्तक कहलाएगा, तार सप्तक के स्वर कहलाएंगे। जैसे कोई स्वर 220 फ्रीक्वेंसी पर मध्य सप्तक है तो 440 फ्रीक्वेंसी पर गाएंगे तो वह ऊपर हो जाए तार सप्तक। जैसे मध्य का सा देखिए, सा तार सप्तक सान, इस प्रकार ऊपर के स्वर जब हम गाते हैं तो वह तार सप्तक है। और चूंकि ये स्वर ऊपर, ऊपर का मतलब हमारे शरीर से भी ये तालु ये स्थान है इसके उच्चारण का, इसकी उत्पत्ति का, तो इसलिए इन स्वरों की पहचान के लिए इन स्वरों के ऊपर बिंदी लगा दी जाती है। इस प्रकार ये तीनों सप्तकों का मैंने आपको बताया। और जहां पीछे स्वर की बात की थी कि शुद्ध कोमल और तीव्र स्वर, कोमल स्वर के लिए हम उस स्वर के नीचे खड़ी रेखा लगा देते हैं, जैसे माइनस का निशान हम कहते हैं नीचे माइनस, जैसे रे गा धा नी लिखा रे के नीचे उसे अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। और बाकी स्वर बचा तीव्र, एक स्वर तीव्र है मां, और मां तीव्र के लिए क्या चिन्ह होगा कि मां लिखकर उसके ऊपर टेढ़ी रेखा, ऐसी टेढ़ी रेखा जैसे मे लिखना हो, मे को एक ही मात्रा को घुमाते हैं लेकिन घुमाना नहीं टेढ़ी रेखा डाल देते हैं, तो वह तीव्र स्वर का चिन्ह है। इस प्रकार आज की ये पहली रिकॉर्डिंग में हम यहां तक ही बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।